चलो बेटा देखो सुनो, अच्छा तो अच्छा है सुनो, अगर ये क्वेश्चन लगाना हो किसी लगाओ बताओ, ठीक है। पर यदि एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान निकालना है आपको, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स का बराबर दिया गया है 10/3, तो बताओ कैसे। अब ये क्वेश्चन जो पहले यूट्यूब पर पढ़ाया था वो थोड़ा गलत था, देखो क्या हो गया। पर हाँ देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के दिया गया है 10/3, और हमें मान कैसे निकालना है, हमें बताना है कि एक्स क्यू प्लस वन अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, जब दो इस पर क्यूब हो तो क्या करेंगे, हम बोथ साइड क्यूब करेंगे। अगर इस पर स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा बताओ। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10/3, दोनों तरफ का कर दो, क्यूब कर दो, होगा नहीं। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला बताओ इसके आधार पर, ए क्यूब बी क्यूब मतलब 1/x³ ना, प्लस 3ab, और ए प्लस बी मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, हाँ अभी नहीं, कितने बजे आए थे, 12:10 पे आए थे, जब एम सब वर्क हो गया है, जाओ और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब 1100 के दिहाती, और 9 का क्यूब कितना होता है 27, पक्का। अब ये x कट जाएगा ना आपस में, देखो x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, और यहाँ क्या होगा आपका बताओ बेटा, 1x+1/x, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है ना, मतलब यहाँ क्या रख देंगे हम 10/3, ये पॉइंट आएगा नहीं माइंड में, इसके स्थान पर रखेंगे हम, यही तो रखेंगे हम, आए थे यहाँ तक नहीं। देखो ये फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab × b, ये x x कट गया, तो अब इसके स्थान में क्या रखेंगे हम, यही तो रखा गया जो दिया गया है, रख दिया इक्वल टू 1000/27, ये 3 क्या हो कट गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, देखो एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू, हाँ प्लस 10 ना, इक्वल टू 1000/27। अब बताओ सब क्या करेंगे, 10 कहाँ जाएगा, सब प्लस जाएगा तो माइनस, हाँ प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ना, तो क्या होगा एक्स क्यू प्लस 1/x³ इक्वल टू 1000/27 माइनस 10। अब बताओ ऐसे बोलेंगे ना इसका, यहाँ करके दिखा रहे यहाँ पर, अगर इसको यहाँ तो अर्थ लिख दो, तो 1000/27 माइनस कितना आएगा यहाँ पर 10, अब कितना एलसीएम लेंगे उसका, कितना एलसीएम आएगा 27 × 1 हो जाएगा, इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000, इसके पास जाएगा 270 हो जाएगा। अच्छा ठीक, हटा देंगे भैया, नहा क्या आया करो, देखो 1000/270 बताओ, जीरो में जीरो गया जीरो बचेगा, दस कह ही लिया, दस में से दस में तीन सात गया तीन बचेगा, यहाँ कितना बचेगा नौ, नौ में से दो गया सेवन, हाँ कितना आ गया पर 730/27 होगा नहीं। अब कर सकता है आपस में, नहीं कट पाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा हमारा, मतलब हुआ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 730/ मुझे जो आंसर आया है वही आंसर है हमारा, जीरो नहीं रहेगा। अब जो एलसीएम नहीं आता वो उनसे सीखो, यही तो होगा अभी, आओ क्या कर सकते हम, पक्का गया तक का पूरा आ रहा है, नहीं नीचे तक का पूरा आ रहा है यहाँ तक का, चलो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, चलो अब कब थोड़ा पॉज तो हो सकता है ना, चलो बच्चों चलो चुप चुप। तो यहाँ पे देखो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वाइट हो जाओ प्लीज, अब देखो क्वेश्चन मैंने बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन सिंपल था,
क्योंकि सिंपल ये भी मगर क्या है, थोड़ा दिखने टफ लग रहा है। ध्यान दो, 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2 दिया गया, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसी क्वेश्चन फिर से उतार रहे हैं, यहाँ पर देखो 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2 दिया गया है, बोथ साइड क्या कर दो, क्यूब, क्यूब करना, क्योंकि आंसर क्यूब में लाना है। तो फॉर्मूला क्या बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a क्यूब इसमें लगाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस 1/2x, b क्यूब प्लस 3, a कितना है हमारा 2x, b कितना है हमारा 1/2x, और a ब्रैकेट में a प्लस b, तो 2x प्लस 1/2x, और इसका 5 क्यूब कितना होता है, 5 क्यूब 5 का 125, हाँ शाबाश शाबाश, 125, और 2 का क्यूब 4, पहले बोल रहे हैं 8 होता है देहाती, देखो ये कट जाएगा, हाँ तो बचा क्या, देखो अब 2 का क्यूब कितना होता है 8 ना, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3, और इसके स्थान पर क्या आएगा, पूरे इसके स्थान पर आएगा बेटा 5/2, आ रहा ना माइंड में, तो 5/2 आ गए, देखो सुजमन 3 आ गया, उसके स्थान पर पूरा यहाँ उतार दिया। अब बताओ यहाँ क्या करेंगे इसके बाद, देखो तो बहुत अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसके नीचे कितना, इसके नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा यहाँ पर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 15/2 इक्वल टू 125/8, इसको उधर भेज दो, तो क्या होगा यहाँ पर 125/8 माइनस 15/2, इसका आराम में कि नहीं, ये मैंने इतना माइंड में आया कि नहीं, yes, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कैसे लेंगे हम, दोनों तार लेंगे हम, ठीक है, yes, दोनों तार लिया, yes, इसके पास ये तो उतना हो जाएगा यहाँ पर 250 हो जाएगा, yes, इसके पास 15 × 120 होता ना बेटा, 15 × 120 हो कि नहीं, yes, फालतू आवाज नहीं कर बता रहे हैं, कितना है यहाँ पर, घटाओ यहाँ पर देखो 250 में से अगर 120 चला गया, 125, 150 में से अगर 120 चला, कितना बचेगा, 031, तो क्या होगा 130/2×8, कर सकता है ना बेटा, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, आंसर क्या आएगा 8x³ + 1/8x³ = 65/8, ये आंसर होगा आपका, ये आया नहीं माइंड में, सही तो पक्का, बहुत अच्छी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं फिर काटते हैं तभी हो सकता है, मतलब सिंपल तरीका ही, पक्का बेटा, ठीक है।